आरसीएम कंपनी का चेयर आ गया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता आप सब लोग ठीक होंगे। आरसीएम कंपनी का एक मीटिंग है महनपुर हाट में, तो देखिए यहीं पे मीटिंग होने वाला। और करने के बाद इस जीवन में क्या मिल सकता है आगे, उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रोग्राम को सही सुचारू रूप से शुरुआत करने के लिए हम आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के साथ हम संजय सर को इनवाइट करेंगे। जय आरसीएम। आरसीएम के बारे में यू तो बहुत बार बहुत लोगों के मुंह से जानकारी निकला, लोगों ने चर्चा किया बताया, और राह चल के लोग इसको अपने कानों में सुनते हैं और निकाल करके भी चल देते हैं। लेकिन वास्तव में आरसीएम क्या है और इसको जुड़ करके क्यों करना चाहिए, ऐसे हमको क्या मिल सकता है, इस गहराई को जानने के लिए जिन लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाया वो आज एक अच्छे मुकाम पर चलते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में उनका प्रोग्रेस दिख रहा है और वो प्रोग्रेस ही करके आगे बढ़ते हैं। जरूरत इस बात का है कि हम इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, कितनी गहराई से इसको जान पाते हैं, क्योंकि आरसीएम एक बृहद चीज है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट आरसीएम। आरसीएम तीन लेटर का ये एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत साधारण नहीं है, बहुत बृहद है और इसके अंदर मैंने असीमित स्कोप है। आप जितना चाहें उतनी ऊंचाई तक इसमें जा सकते हैं, जितना चाहें उतना इसमें कमा सकते हैं, जितनी इच्छा हो उतना आप समाज का सेवा कर सकते हैं। यह एक बेमिसाल प्लेटफॉर्म है और आप यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कि ऊपर वाले की दया दृष्टि है, ऊपर वाला का दुआ है जो आप आरसीएम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या आरसीएम में आप है, इसका मतलब है कि आपका समय अच्छा है, आपका भाग्य और नसीब अच्छा, आप कुछ अलग हट करके समाज में और कुछ बड़ा करने वाले, इसलिए आरसीएम में आपका आना सुनिश्चित हुआ। और वो कैसे होता है और आपको इसमें क्या करना पड़ता है, उसकी विशेष जानकारी तो हमारे बहुत सारे सीनियर अपलाइन हैं, उनको बृहद जानकारी है आरसीएम के, एक एक स्टेप टू स्टेप वाइज आपको वो बताते हैं, बताते आ रहे हैं, हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं। बट जो टूटी फूटी जानकारी अभी अभी मेरे पास कलेक्ट हुआ है, ऐसे तो हमारा जो नाम है संजय कुमार झा, मैं मोहनपुर से हूँ और मेरा आईडी आज से मैंने बहुत पहले बात है और हम आरसीएम कर ही नहीं रहे थे, सच्चाई है ये। आरसीएम से हम चूंकि मनोज सर से मेरा लगाव था, ऐसे तो कैलाश सर को भी हम लोग जान ही रहे थे बहुत पहले से, लेकिन मनोज सर ने मेरे को नॉक किया तो इनके बात को पहले तो हम काफी दिन तक कान मोड़ करके इनको मैंने घुमाते रहे, हम स्वयं भगोड़ा बन गए इसमें, इनको देख करके लगता था कि मनोज सर आ रहे हैं, फिर वही बात की चर्चा होगी और फिर उसी में इन्वॉल्व करेंगे, वही बातों पर हम लोगों को जाना होगा, तो क्या फायदा जब हमको करना ही नहीं है। तो हम इनसे कन्नी कटाते थे और बहुत दिन तक भागते रहे। राजीव सर इनके साथ थे, बहुत का सुन करके तब फिर हम भी बड़ा मने एक तरह से अकच हो, कहने का मतलब इतना ज्यादा मने इन लोग का मने आना जाना मिलना जुलना हुआ, हमने हमको शर्मिंदगी भी लगी कि बाहर वाले लोगों को कैसे टाल मटोल कर क्या कर करके लौटा था। तो फिर मन बनाया कि चलिए, और मन बनने का कारण हो गया कि हमको एक फैन का जरूरत था, सीलिंग का,
सीलिंग फैन हम लेने का अपने मन बना चुके थे कि अब तब लेंगे, और उसी वक्त राजीव सर और मनोज सर से हमारी मुलाकात पुनः हो गई, तो इन लोगों ने फिर चर्चा किया, तो उनके की पंखा वगैरह भी कंपनी में आता है, तो ये लोग बोल दिए यार फैन तो आता है, बढ़िया फैन आता है, डबल बेयरिंग का फैन आता है, तो हम क्या फैन लेने का मन बनाए हुए थे, काम कीजिए आप आइडिया हमारा उसी से निकाल दीजिए। इन लोगों ने कहा ठीक है फैन आपको मिल जाएगा, आप आईडी निकलवाइए। तो उस समय मैनुअली फॉर्म वगैरह साइन होता था, उस समय की बात है, हमको लगता है पिछला करीब 3 या 4 साल पहले की बात हुई, तो उस टाइम हम लोग अपना आईडी निकलवा लिए लोगों से, लेकिन हम काम नहीं, ये लोग का दबाव भी आता था, कहते भी थे, तो दूसरे जगह जो भी कुछ आमदनी हो रहा था तो ध्यान इस तौर ज्यादा गया नहीं, तो काम नहीं किया, हम सिर्फ नाम का जुड़े रहे। उसके बाद यूं ही चलता रहा अपना कारोबार, तो बीच में कोरोना आया तो दे दे करके करीब करीब ही बराबर कर दिए, कहने मतलब जो काम हो रहा था जहां से आमदनी आ रही थी वो करीब करीब मैंने लगभग जीरो पर आ गया, तो थोड़ा सा हताशा हुआ कि भाई इनकम नहीं होगा तो कैसे होगा, कहां से चलेगा। तो फिर मनोज सर को हम बहुत बहुत मैंने धन्यवाद करते हैं और बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं कि इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उतना सब कुछ होते हुए मैंने हम लोग जैसा आदमी तो मैंने होता क्या कि छिड़क देते, छोड़िए ठीक है कोई ध्यान नहीं है तुम कल पर काम, लेकिन इस बंदा में जो गंभीरता है, इन्होंने जो मेरे को मैंने मोबिलाइज करने का जो काम किया टाइम टू टाइम, जब भी आते थे मिलते थे जुड़ते थे कहते थे कुछ ना कुछ ही खुराक हमको देके जाते थे, समझा के जाते थे, मोटिवेट कर देते थे। तो फिर कोरोना के बाद का भी वही सिलसिला रहा, इनसे हम संपर्क में थे, इनका वो कार्यक्रम जारी रहा, तो फिर मेरा भी मन हो गया कि भाई आज तक आरसीएम को तो हम जो है सो अपने आप से फटकारते रहे, कभी ना देखे बढ़िया से ना इसको जाने, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और मेरे को अब आमदनी का भी जरूरत है, आमदनी का जगह नहीं है, ये प्रोडक्ट बेसिस काम है, तो लगता है कि प्रोडक्ट पर काम अब हमको ट्रैक पर करना चाहिए, पहले हम मनी मार्केट में काम करते थे उसको अब हमको छोड़ना, तो फिर क्या प्रोडक्ट में कोई ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं है, इसमें है क्या प्रोडक्ट जितना सेल आउट हम करेंगे हमारा इनकम होगा, हम कमोबेश ऐसा ही शॉर्टकट में दिमाग में लाए और फिर धीरे धीरे अपना सुखबुहार इनके तरफ पॉजिटिविटी अपना दिखाने लगे, तो इनको भी लगा कि ये थोड़ा जग रहे हैं, तो फिर दोनों आदमी चलने लगे। बीच में एक और आईडी एक बार निकला, वो आईडी पुराना वाला मर गया, फिर आईडी निकाले उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ हुआ, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि हम सामग्री जो होता है आरसीएम का प्रोडक्ट वो घरेलू यूज के लिए लेना कुछ लंबे दिन से हम जारी रखते थे, उसको नहीं हटाते, ये कहते थे कि आप कुछ कीजिए ना कीजिए घर में जो खा रहे हैं कम से कम वो तो लीजिए, तो हम कुछ ना कुछ 1000, 1500, 1200, 1300 ऐसे करके कुछ ना कुछ ले रहे थे, तो आईडी कमोबेश मेरा जिंदा था। तो फिर चलते गए, उसके बाद इधर कुछ रफ्तार हम अपने काम में देना शुरू किए, तो अब थोड़ा सा उससे 10 रुपया इनकम भी आया, कहने का मतलब शुरुआत बुझाया हमको लगा, और कुछ कुछ काम में भी अब रनिंग आ रहा है, तो अब दिलचस्पी जो है उसमें ज्यादा जगह बीच में राजस्थान भिलवाड़ा जाने का मौका मिला, ये लोगों ने हमको वहां तक का भ्रमण करवाया, हम अपने आंखों से देखे सुने सारा कुछ, सारा फैक्ट्री का भ्रमण किए, कैसे कंपनी है, कंपनी कैसे माल बनाती है, ऑरिजिनलिटी है, डुप्लीकेसी है, हाइजीन है, पूरा चीज को अपने आंखों से देखे तो ज्यादा विश्वास हुआ, एक विजन क्लियर हुआ। उसके बाद आरसीएम को रीड करना अच्छा से शुरू किए, और इसमें बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर आता है, बहुत सारा ट्रेनिंग ट्रेनर लोग देते रहते हैं, तो कई एक चीज को हम धीरे धीरे मोबाइल से अपना ज्ञान अर्जन आरसीएम का करने लगे, तो बहुत सी जानकारी हमको आरसीएम के बारे में मिला, और उसमें ऐसा ऐसा फैक्टर भी हमको देखने को मिला कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रह करके हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और असीमित पैसे का अर्जन कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं, जितनी इच्छा पता भी आपको नहीं चलेगा और आप जानते भी नहीं है हमको आरसीएम कितना क्या दे सकती है, तो ऐसा कुछ हमको कई एक वीडियो वगैरह भी सुने देखे, जैसे राकेश शर्मा सर का देखे, सहारन सर का देखे,
सुरेंद्र वत्स सरकार देखे तो हमको लगा कि आरसीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म संयोग से हम लोगों को मिला है और इस प्लेटफॉर्म पर रह करके हम अपना सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत अधिक पैसा भी कमा सकते हैं, इसमें मनी फ्रीडम है।